नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। आइए देखते हैं कि त्रिफला किस प्रकार हमें सारी बीमारियों से मुक्त रख सकता है, हमें फिर से जवान बना सकता है और क्या क्या फ़ायदे इस त्रिफला से होते हैं। आइए आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो त्रिफला धरती पर एक तरह का अमृत फल है। अगर कोई अमृत अगर अभी शेष है धरती पर तो ये तीन फलों के रूप में है। त्रिफला मतलब तीन फल, हरड़, बहेड़ा, आंवला। इनको 1:2:3 में हमें लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसमें। अगर हमें पूरे शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, पूरे शरीर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो त्रिफला का उपयोग ज़रूर करें। त्रिफला के अंदर तीन फलों का अनुपात 1:2:3 होता है। पहला अनुपात हरड़। अगर हमें 300 ग्राम त्रिफला बनाना है तो 50 ग्राम हरड़ लेंगे पीली, 100 ग्राम बहेड़ा लेंगे और 150 ग्राम आंवले लेंगे। अगर हम अच्छा होगा कि हमें घर पर ही इनको सुखाकर पीस कर चूर्ण बना लें, मात्रा ले लें अच्छी तरह से, गुठली उसका निकाल लें और अमाम दस्ते में कूट कर छान कर अच्छा सा चूर्ण बना लें ताकि किसी प्रकार की मिलावट की संभावना नहीं हो। वैसे तो बाहर बहुत सारी कंपनियों के त्रिफला चूर्ण मिलते हैं, हम वहाँ से भी ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना पुराना लिया जा सकता है। 4 माह से पुराना ज़्यादा चूर्ण हमें काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह उतना उपयोग करने लायक हमारे लिए रहता नहीं है। अब बात की जाती है सेवन की विधि। सेवन की विधि में देखें, आप नियमित रूप से खाली पेट ताज़े पानी के साथ इसका सेवन किया जाता है। लेकिन लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रेचक के रूप में और एक होता है शक्तिवर्धक के रूप में। तो रेचक के रूप में जब लेना होता है तो रात को लिया जाता है, जब पेट साफ करने की बात आती है, कब्ज़ की बात आती है तो त्रिफला चूर्ण रात को लिया जाता है। लेकिन अगर हमें बलवर्धक, शक्तिवर्धक या किसी और समस्या के बारे में अगर त्रिफला चूर्ण लेंगे तो वह सुबह सुबह खाली पेट लिया जाता है। अब त्रिफला कल्प के बारे में अगर हम समझें तो त्रिफला कल्प एक तरह का त्रिफला को विभिन्न वस्तुओं के साथ 2-2 मास के अंतराल में 2-2 मास तक नियमित लेने को त्रिफला कल्प कहते हैं। कितनी मात्रा होनी चाहिए? उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर वैसे तो जितनी उम्र होती है उतनी ही रत्ती लेनी चाहिए। अगर उदाहरण के लिए 50 साल का कोई व्यक्ति है और वो त्रिफला कल्प करना चाहता है तो 50 × 0.12, 1 रत्ती बराबर 0.12 ग्राम होता है, तो लगभग 6 ग्राम त्रिफला उसको सेवन करना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतवर्ष चूँकि विविधता से भरा देश है, यहाँ पर सभी ऋतुएँ होती है, तो 6 ऋतुओं का मौसम भारत के अंदर होता है। तो 2-2 महीने एक एक ऋतु रहती है, तो किस ऋतु में क्या वस्तु के साथ किस अनुपात में त्रिफला चूर्ण लिया जाता है उसका एक विवरण आपके सामने टेबल के माध्यम से आप देख पा रहे वीडियो में। मैंने यहाँ पर इसको अंतराल को लिखने की कोशिश भी की है कि मार्च से मई के अंतराल में शहद के साथ बराबर मिलाकर त्रिफला चूर्ण लें। बराबर जितना आपका मात्रा निकला है 5 ग्राम 6 ग्राम उतने ही शहद लेकर सुबह सुबह पानी के साथ इसको लेना है। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, गुड़ कितना लेना है? 1/4 पार्ट, जितना त्रिफला चूर्ण है उसका 1/4 गुड़ लेना है। इसी तरह जुलाई से सितंबर में सेंधा नमक कितना लेना है? 1/6 भाग लेना है। जितना हम जैसे 6 ग्राम अगर त्रिफला लेते हैं तो 1 ग्राम आपका सेंधा नमक के साथ लेंगे। इसी तरह सितंबर से नवंबर की बात जब की जाती है तो देशी खांड जो हमारी होती है, जो पुरानी शक्कर आती है जो गुड़ बनते समय निकलती है, उसका 1/4 भाग लेना है। इसी तरह नवंबर से जनवरी तक सौंठ जो अदरक जब सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है, उसका 1/6 हिस्सा लेना है। और जनवरी से मार्च छोटी पीपल आती है जो पीले पीले कलर की होती है, उसके साथ थोड़ी काली काली कलर की होती है, उसके साथ 1/8 भाग हम ले सकते हैं। ये त्रिफला कल्प लेने के बारे में, त्रिफला कल्प कैसे किया जाएगा पूरे साल भर। अब इस तरह जब आप पूरा 1 साल इस व्रत को नियमित पाल लेते हैं तो आपको क्या लाभ होगा वो भी आप देखें। 1 साल में आपकी सारे आलस्य, प्रमाद, सुस्ती शरीर से दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरे साल आते आते
आपके शरीर के अंदर जो भी रोग हैं वो सारे बाहर हो जाएंगे। तीसरे वर्ष में अगर आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर होने लग गई है तो वो ठीक हो जाएगी। चौथे साल में आपकी त्वचा बिल्कुल कोमल और सुंदर बनेगी। पाँचवें साल में आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा याद होने लगेगा, आप बहुत अच्छी बुद्धि हो जाएगी। छठे साल में शरीर शारीरिक रूप से बलवान मजबूत बनेगा। सातवें वर्ष में आप देखेंगे आपके सिर में जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो फिर पुनः काले होने शुरू हो जाएंगे। आठवें साल में आपका जो वृद्धावस्था है, यदि कोई बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा धकेल सकते हैं पीछे, यौवन वापस लौटा सकते हैं, तो आठवें साल में आपका ये पुनर्जीवन, आपका पुनर्यौवन मिलेगा। नवे वर्ष में नेत्र ज्योति और ज़्यादा कुशाग्र होगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आप आसानी से देख पाएंगे। दसवें वर्ष में आपकी वाणी में भी बहुत परिवर्तन होगा, गले से सरस्वती विराजमान होगी। और ग्यारहवें बारहवें वचन में तो वर्ष में आपके लिए बहुत ही सुंदर आमूलचूल परिवर्तन आपका हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो बात सत्य होने लगेगी। तो ये आपका त्रिफला कल्प के बारे में संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर शेयर करें, लोगों को बताएं, खुद करें और अपने अंदर परिवर्तन देखें। यदि आपको कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।